हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति सुहाने, वेलकम टू अवर चैनल इंडियन कुकिंग कल्चर। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए क्रिसमस वाला प्लम केक, जिसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है। और इस केक को आप क्रिसमस में ही क्यों, न्यू ईयर में, वैलेंटाइंस डे में या कभी भी जब आपका मन हो तब बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए आज हम बनाएंगे वेरी टेस्टी, वेरी यम्मी यम्मी क्रिसमस केक, वो भी बिना अल्कोहल और बिना एग के। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वेरी टेस्टी प्लम केक की रेसिपी, जो कि बहुत ही सिंपल है और इसे हम बनाएंगे बिना ओवन के। लेकिन इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकॉन दबाना होगा, उसके बाद ही आप रेसिपी देखें तो और भी मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ एक बोल लिया है, इसमें हम ड्राई फ्रूट्स को और ड्राई बेरीज को पहले सोक करेंगे। ट्रेडिशनली इन सभी चीज़ों को अल्कोहल में सोक किया जाता है, बट आज हमारी जो रेसिपी है वो बिना अल्कोहल के है, तो इसे हम जूस के साथ सोक करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे क्रश्ड या चॉप्ड काजू, कुछ बादाम, साथ ही इसमें जाएंगे कुछ पिस्ता, सभी को मैंने फाइनली चॉप किया है। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी किशमिश, ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। साथ ही अब इसमें जाएगी ये ड्राइड बेरीज, ये ब्लूबेरीज हैं, और अब इसमें जाएंगी क्रॉन बेरीज। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ कैंडिड फ्रूट्स, रेड एंड ग्रीन कलर के कैंडिड फ्रूट्स हम इसमें ऐड करेंगे। आपके पास जो भी अवेलेबल हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। इफ आपके पास ड्राई ब्लूबेरीज या क्रॉन बेरीज नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। वैसे ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें ऐड किए हैं आप वही ऐड करें, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं और क्वांटिटी भी आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए ब्यूटीफुल कलर्स के साथ ये सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे हो गए हैं। अब इन्हें सोक करने के लिए हम इसमें फ्रेश ऑरेंज जूस ऐड करेंगे। आप इसमें मार्केट वाला कैन जूस भी ऐड कर सकते हैं, पाइनएप्पल जूस और एप्पल जूस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये आइडिया इसलिए है कि अगर आप अल्कोहल ऐड नहीं कर रहे हैं तो आप जूस ऐड कर लें। वैसे इस केक की जो ट्रेडिशनल रेसिपी है उसके अकॉर्डिंग इन ड्राई फ्रूट्स को अल्कोहल में 1 हफ्ते, 10 दिन या 15 दिन तक सोक किया जाता है, बट अगर हम इमीडिएटली केक बना रहे हैं तो कम से कम हमें इसे आधे से पौन घंटे के लिए लाइक 45 मिनट तक तो सोक करना ही है। इन्हें हम 45 मिनट के लिए ढककर रख देंगे और अब हम चलते हैं बैटर की तरफ। बैटर रेडी करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ 1 कप लिया है जिसमें मैं मिल्क ऐड कर रही हूँ, मिल्क रूम टेम्परेचर पर ही हो। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 5 to 6 टेबल स्पून बटर, बटर को मैंने मेल्ट कर लिया है, ये सॉल्टेड बटर है। अब इसे हम एक साइड में रख देंगे और अपने बैटर में यूज़ करेंगे। तो अब हम एक बोल में लेंगे सबसे पहले 1 कप मैदा, इसे स्ट्रेन करेंगे ताकि ये लाइट हो जाए और इसमें कोई भी गुठली हो तो वो ना रहे। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर, इन दोनों चीज़ों को ही हमें अच्छे से स्ट्रेन करना है ताकि जो भी इसमें लम्स हैं, गुठलियां हैं, वो ना रहे। ये देखिए स्ट्रेन करने के बाद जो ये गुठलियां बन रही हैं इन्हें भी आप अच्छे से स्ट्रेन कर लें। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ मसाले जिसका मैंने पाउडर बना लिया है। यहाँ मैंने इसमें लौंग ऐड की है, जायफल ऐड किया है, दालचीनी ली है और थोड़ा सा सॉल्ट पाउडर, क्योंकि जो क्रिसमस का प्लम केक होता है उसमें ये मसाले भी ऐड होते हैं। साथ ही मैंने इसमें 2 टेबल स्पून रवा भी ऐड किया है और अब इसमें जाएगी ये ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर की जगह आप इसमें मिश्री पाउडर या वाइट शुगर भी ऐड कर सकते हैं। इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें हम ऐड करेंगे चोको चिप्स।
चोको चिप्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी रेडी हैं, तो चलिए अब हम केक का बैटर बनाते हैं। 45 मिनट हमने ड्राई फ्रूट्स को ऑरेंज जूस में सोक कर लिया है और अब ये रेडी हैं केक में ऐड करने के लिए। तो सबसे पहले इन ड्राई फ्रूट्स में हम ऐड करेंगे मिल्क एंड बटर जो हमने मिक्स करके रखा हुआ था, साथ ही इसमें जाएगा वनीला एसेंस। इसे मिक्स करेंगे और इसी में हम ऐड करेंगे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स करके रखे हुए थे। सभी को हल्के हाथ से लाइटली मिक्स करना है। बैटर को अच्छे से मिक्स करना ताकि इसमें कोई भी लम्स या गुठलियां ना बने, इसलिए इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। केक का बैटर बनकर तैयार है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है, ये हल्का सा रनी है। इसी कंसिस्टेंसी में हमें इसका बैटर तैयार करना है। केक को बेक करने के लिए मेरा टिन तैयार है, इसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया है। आपके पास ये केक टिन ना हो तो आप स्टील के डब्बे में भी बटर पेपर लगाकर या फिर थोड़ा सा ऑयल या घी लगाकर उसे आटे से या मैदे से डस्ट कर लें और केक टिन तैयार कर लें। ये सारा बैटर गया हमारे केक टिन में। इसे हल्का सा टैप करेंगे। केक टिन को टैप करने से इसके अंदर के जो बबल्स हैं या इसमें जो एयर बन जाती है वो निकल जाती है। अब ये बेक होने के लिए रेडी है। इसे हम बनाएंगे अपने देसी ओवन में, मींस कढ़ाई में। यहाँ मैंने एक बड़ी फैली हुई कढ़ाई ली है। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा नमक। नमक ऐड करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारा केक नीचे से जले ना। अब इसके ऊपर रखेंगे हम एक स्टैंड। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप गोल रिंग या कोई भी कटोरी या बोल रख सकते हैं। और अब इस स्टैंड के ऊपर रखेंगे हम ये केक बेक होने के लिए। इसे हम ढकेंगे एक बड़ी थाली या परात से और पहले 5 से 10 मिनट इसे हम हाई फ्लेम पर बेक करेंगे। उसके बाद मीडियम लो फ्लेम पर इसे हम 45 से 50 मिनट तक बेक करेंगे। ये देखिए 30 मिनट्स हो चुके हैं, केक हमारा हाफ बेक हो चुका है। इस टाइम पर आप चाहें तो इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स या कैंडिड फ्रूट्स ऊपर से ऐड कर सकते हैं और फिर से इसे ढककर बेक होने के लिए रख दें। 50 to 55 मिनट हो चुके हैं। अब ये प्लेट हम अलग करेंगे और देखेंगे हमारा केक बेक हुआ है कि नहीं। ये देखिए केक परफेक्टली बेक हो चुका है और इसे चेक करने के लिए हम एक नाइफ लेंगे और इसके सेंटर में डालेंगे। अगर बैटर नाइफ में स्टिक नहीं हुआ मींस केक परफेक्टली बेक हो चुका है। तो अब हम केक टिन को केयरफुली कढ़ाई से बाहर निकालकर एक स्टैंड पर रखेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। दस से 15 मिनट के बाद केक को हम टिन से बाहर निकालेंगे और इसे एक प्लेट में शिफ्ट करेंगे। केक कम्प्लीटली बनकर तैयार है। अब इसे हमें थोड़ा ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद ही हम इसे कट करेंगे। मेरे घर में तो बच्चों को गर्म केक ही पसंद है, इसलिए मैं इसे तुरंत ही कट कर रही हूँ, बट आप इसे ठंडा करके फिर कट करें, क्योंकि ठंडा करके कट करने से केक फिनिशिंग से कट भी होता है और ठंडा टेस्टी भी ज़्यादा लगता है। तो लीजिए फाइनली वेरी टेस्टी प्लम केक बनकर तैयार है। इसे हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स पाउडर से गार्निश करेंगे। ये मैंने पिस्ता का पाउडर ऐड किया है, आप किसी भी ड्राई फ्रूट का पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह आप भी बनाइए एकदम सिंपल रेसिपी के साथ मेरे साथ ये प्लम केक, बिना अल्कोहल के, बिना एग के और साथ ही बिना ओवन के। तो है ना इसे बनाना इजी? तो जल्दी से आप भी ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ आप सभी को मैरी क्रिसमस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।